उत्तर प्रदेश अब अनलॉक की ओर बढ़ गया है। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। नई गाइडलाइन के तहत अभी 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी, जिसमें गाजीपुर समेत लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, झांसी, मुजफ्फरपुर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखीमपुर, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर व देवरिया ज़िले शामिल हैं। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइन में है कि रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल एवं क्लब और शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।